बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर जुनैर। आज का हमारा टॉपिक ज़रा हटके है, बालों से मुतल्लिक नहीं, लेकिन अब ये चेहरे के बाल है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। फेशियल हेयर, फेशियल हेयर में ज़्यादातर हमारे पास पेशेंट फीमेल्स होती हैं, ट्रांसजेंडर भी होते हैं, मेल्स भी होते हैं। तो ये मेल्स पे हम वीडियो बना रहे हैं। जो मर्द हजरात होते हैं वो अपना ये खत बनवाते हैं, यहाँ से अपनी लेज़र करवाते हैं, इस एरिया से लेज़र करवाते हैं और इस एरिया से लेज़र करवाते हैं। जो फीमेल्स होती हैं वो फुल फेस लेज़र करवाती हैं, फुल बॉडी लेज़र करवाती हैं, और जो ट्रांसजेंडर होते हैं, वाजा सरा होते हैं, वो भी फुल बॉडी अपनी लेज़र करवाते हैं। तो हमारे पास लेटेस्ट मशीन है, डायोड लेटेस्ट मशीन है। इसमें इसका कूलिंग इफेक्ट बहुत अच्छा है, इसकी कूलिंग इफेक्ट बहुत अच्छा है। किसी किस्म के बर्न का चांस नहीं, किसी किस्म के एक्जिमा रेडनेस का चांस नहीं है, यानी आपका चेहरा इससे जल नहीं सकता। ये इसकी तो हम 100% गारंटी देते हैं कि आपका चेहरा जल नहीं सकता, ठीक है। इसके अलावा फ़िलहाल तो हमारे पास मेल है, लेकिन फीमेल्स में हेड सूटिज़म यानी चेहरे पे बालों की क्या कॉजेज़ हैं, इसमें सबसे नंबर वन कॉजेज़ पे आ जाता है हार्मोनल डिस्टर्बेंस। जिन फीमेल्स में हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है उनमें चेहरे में बाल आते हैं और सर के बाल उनके वीक होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि इनकी सिस्ट, इनकी ओवरीज में सिस्ट बन जाती हैं, जिसकी वजह से इनके इनकी बॉडी में जो नॉर्मल मकदार में टेस्टोस्टेरोन होता है उसकी मकदार ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से चेहरे पे बाल आते हैं, सर के बाल कमज़ोर होते हैं, जिस्म पे मोटापा छाता है और वॉइस हैवी हो जाती है। तो ऐसी फीमेल्स में हम लेज़र भी करते हैं, साथ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरी काज जो फीमेल्स में हिरसुडिज़म की आ जाती है वो क्रीम्स है। जब वो फीमेल्स लोकल क्रीम्स, स्टीरॉयड वाली क्रीम्स यूज़ करती हैं, उसकी वजह से उनके चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बाकी जो इस पर मैं डिटेल से वीडियो दोबारा पे बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको लेज़र का प्रोसीजर दिखा देता हूँ जो इस वीडियो का मेन मकसद है। मशीन ऑन कर ली। अब ये इसका कूलिंग इफेक्ट इतना अच्छा है कि इनको किसी किस्म की कोई पेन नहीं होगी। ये लाइक आइस है, लाइक आइस बन जाता है, तो किसी किस्म की कोई पेन नहीं होती। दूसरा इसका इफेक्ट है कि इसमें इसकी जो लाइट है वो बहुत कम है, आपको गॉगल्स या ग्लासेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल प्रोसीजर है कि इस ये जो हमने प्रॉब इनके चेहरे पर रखा है ये लाइक आइस है, इसकी किसी किस्म की आपको पेन नहीं होगी और ये आपके जो रूट्स हैं, जो बालों की रूट्स हैं उनको बंद कर देगा। 7 से 8 दिन बाद आपके ये बाल अपने आप गिरना शुरू हो जाएंगे, आप टॉवल लगाएंगे, हाथ लगाएंगे, ये आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। 7 से 8 सेशन रिक्वायर्ड होते हैं, 1 मंथ बाद हम पर सेशन करते हैं। तो किसी किस्म का आपको लेज़र आपने करवानी हो, फ्रैकल्स की लेज़र करवानी हो, चेहरे के बालों की लेज़र करवानी हो, तो आप हमसे रابطہ कर सकते हैं। फैसलाबाद समनाबाद में हमारा सेंटर है। तो किसी किस्म की आपको क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो, स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप मेरा नंबर चल रहा है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।